विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह की शुरुआत जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से संचारी रोग के जागरूकता के लिए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर निर्देश दिया कि इस माह अभियान चलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नालों की सफाई, फॉगिंग और शौचालय के निर्माण एवं उसके उपयोग के बारे में बताया जाए तथा सभी केंद्रों पर ORS की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने DIOS, BSA और ग्राम विकास विभाग एवं नगर पालिका को इस पूरे माह अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई स्वच्छता ही वेक्टर जनित रोगों के बचाव का एकमात्र उपाय है। साथ ही शिक्षा के लिए लोगों को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूक भी किया गया। आज शहर के 11 स्कूलों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों की रैली निकाली गई। रैली निकालने का उद्देश्य है संचारी रोग नियंत्रण एवं शिक्षा जागरूकता लोगों में लाना। उसी के क्रम में ये रैली जा रही है। जैसा आपको मालूम है संचारी रोग एक समस्या है, इस JEES और विभिन्न प्रकार के और रोग हैं जो अवेयरनेस के बिना रूट आउट नहीं हो सकते। इसीलिए इन बच्चों को बाहर रैली के रूप में ये जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने, वो साफ़ सफाई रखें, स्वच्छता का पूरा अपने सेहत का ध्यान रखें और शिक्षा के प्रति भी जागरूकता जरूरी है क्योंकि अशिक्षा के ही कारण सारी समस्याएं हैं। इस उद्देश्य से रैली आज निकाली गई है। वृक्षारोपण भी किया गया। वृक्षारोपण तो एक अभियान के तौर पर चल ही रहा है। प्रदेश सरकार ने बड़ा लक्ष्य दिया है, 10 लाख वृक्षारोपण हमारे इस जनपद में किए जाने हैं और उस क्रम में एक एक वृक्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसमें शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा योगदान रहता है। हमेशा वृक्षारोपण में शिक्षा विभाग के जितने कैंपस हैं उन सारे कैंपसेस में आने वाले दिनों में व्यापक वृक्षारोपण होना है और इस बार वृक्षारोपण पर खास रणनीति है कि जो वृक्ष लगाएगा उसको साल भर के लिए गोद लेना पड़ेगा और साल भर उसको उसकी देखरेख करेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।